नमस्कार दोस्तों, माय किसान दोस्त यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका किसान दोस्त यश जाट। और दोस्तों, सबसे पहले आप सभी दोस्तों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अंतर्वर्गीय फसलें की, यानी कि एक फसल के साथ साथ दूसरी फसल को तैयार करके उत्पादन लेना। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। मेरे जो पीछे आपको खेत दिखाई दे रहा है, इस खेत में हमने लहसुन लगा रखी है। लहसुन लगभग 2.5 महीने की हमारी हो चुकी है। साथ में हमने कद्दू वर्गीय फसलें लगाई ताकि हम समय पर सब्जी ले सकें और उत्पादन सब्जियों का हम ले सकें। इस खेत में मैंने लहसुन के साथ साथ आल भी बो रखी है। आल के अलावा आप कद्दू भी बो सकते हैं। फिलहाल मैंने इसमें आल बोई है। आल लगभग 1 महीने का हमारा प्लांट हो गया है। लहसुन लगभग 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर हमारी निकल जाएगी। तब तक हमारे ये जो पौधे हैं ये बड़े हो जाएंगे। दोनों फसलें साथ लगाने का फ़ायदा यह होता है कि हम जो सिंचाई लहसुन को देते हैं उसके साथ साथ ये जो आल के बेल है और दूसरी जो फसल हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं उनकी भी सिंचाई साथ में हो जाती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर दो फसलों के साथ हम अच्छा इनकम ले सकते हैं। मतलब यही खाद इसमें यूज हो जाता है, यही सारी चीज़ें इसको मिल जाती हैं। तो कुल मिला के सिंचाई में बचत हो जाती है, साथ में खेत को जुताई उताई अलग से नहीं करनी पड़ती है। जैसे लहसुन निकाली हम इसका उत्पादन हम धीरे धीरे ले लेंगे। चलिए मैं वीडियो में बताता हूँ कितने कितने दूरी पर मैंने आल के पौधे लगा रखे हैं, तो देखते हैं। दोस्तों, ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है ये आल का पौधा है, साथ में ये लहसुन हमने लगा रखी है। लहसुन के साथ साथ हमारा आल भी बड़ा हो रहा है। बाद में हम इस लहसुन को उखाड़ लेंगे, आल बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इसकी जो दूरी रखी है लगभग 1.5 मीटर की दूरी पर हमने ये पौधे लगा रखे हैं। अभी मैं लहसुन की सिंचाई करता हूँ, उसके साथ साथ इनकी भी सिंचाई हो जाती है। इनको अलग से कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से ये हमने इंटरक्रॉपिंग कर रखी है। इस तरीके से अगर किसान भाई इस आइडिया से काम करेंगे तो एक समय में दो फसलें आसानी से किसान भाई ले सकते हैं और इन फसलों से अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से इंटरक्रॉपिंग करके किसान अधिक मुनाफा कमा सकता है। एक फसल के साथ साथ दूसरी फसल लेने से किसान का जो मेहनत है वो बचती है, सिंचाई का पानी बचता है, साथ में खाद बीज भी बचता है। क्योंकि हम इन फसलों को काफ़ी खाद दिया है, वो जो बचा हुआ है वो इन पौधों के लिए काफ़ी रहता है। इस तरीके से करके किसान भाई कम समय में अच्छा मुनाफा इन फसलों के द्वारा ले सकते हैं। इसमें आप दूसरी फसल भी लगा सकते हैं। मैंने लौकी लगाई है, आप कद्दू भी लगा सकते हैं। कद्दू के साथ साथ इसके जो सूटेबल है वो फसलें आप लगाएंगे तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हम थोड़ी सी तकनीक में बदलाव करके अच्छी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लाइक करने के साथ साथ अन्य किसानों को शेयर भी करिएगा। शेयर करने के साथ साथ दोस्तों, जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे ज़रूर दबा दें। उसे दबाने से फ़ायदा यह होगा कि जब भी मैं यहाँ खेती और किसानों से जुड़ी जानकारी वाले वीडियो डालूंगा उसकी सूचना आप तक पहुँच जाएगी। दोस्तों, साथ में एक काम और आपको करना है। जैसे आप सब्सक्राइब करोगे एक बेल आइकन आएगा, घंटे का निशान आएगा, घंटे के निशान को भी दबाना है ताकि उस जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय भारत, जय किसान।